अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीका अली और मेरे साथ हैं जी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही रिक्वेस्टेड, होश उड़ा देने वाली। मेरे तो होश पहले से ही उड़ गए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रेडी फॉर सेकंड कंसाइनमेंट बट आर नेबर्स आर इन प्रॉब्लम। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, बस में बिठा के टूर ले जाके हमें उतार दिया। दोस्तों इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास उन्होंने ही लिखे हैं जिनकी जिंदगी में असूल थे और असूलों पर चलकर उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे कर दिए। आज भारत भी उन असूलों पर चल रहा है, दुनिया के देशों की मदद कोविड-19 के अंदर भी की और आज भी कर रहे हैं, और एक बार फिर से वो खबर लेकर आपके सामने आ गई है। यूक्रेन की सरकार भारत के लोगों के साथ जो असूल है उन असूलों पर नहीं चल रही है और भारतीय बच्चे आज खज्जल खवार हो रहे हैं यूक्रेन के ट्रेन के स्टेशनों पर। यूक्रेन का ये हाल है, पाकिस्तान भी इनमें पीछे नहीं है। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है यूक्रेन के अंदर। मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है जी? दरअसल इन्होंने एक बस की, बस के अंदर पाकिस्तानी बच्चों को बिठवाया और उसके साथ ही पाकिस्तानी झंडे दे दिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाकर वो बसों के अंदर अब चलने लगे। लेकिन बस कुछ दूर ले जाकर बच्चों को उतार दिया गया और बच्चों को कहा गया कि अब आप अपने ऊपर ही हो, अब अपना सफर खुद ही तय करो। और बच्चे खुद वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग थे वो हमारी वीडियो बनाकर ले गए हैं और हमें यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हाल पाकिस्तान का है, ये हाल यहां यूक्रेन के अंदर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान ने भारत के 50,000 टन गेहूं देने के वादे के ऊपर ऐलान कर दिया कि हम भी 50,000 टन का गेहूं देंगे, लेकिन अब कीमतें बढ़ गई हैं और देश में गेहूं का अकाल पड़ा है, तो इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान को हम 50,000 टन का गेहूं नहीं देंगे। भले ही ये नहीं देंगे, इनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आखिरकार ये अपने जो जिंदगी के असूल बनाते हैं वो असूल बनाने के ऊपर आखिरकार ये क्यों नहीं देखते हैं? हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। यानी कि वचन जो मुख से निकल गए हैं उनको पूरा करने के लिए चाहे व्यक्ति के प्राण निकल जाएं तो भी मंजूर है, लेकिन जुबान से निकले हुए वचनों को पूरा करना भारतीयों के लिए पहली प्रायोरिटी होता है। आज भारतीय 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। पहला कंसाइनमेंट भेज दिया गया है और अब दूसरा कंसाइनमेंट भेजने जा रही है। भारत चाहता तो पाकिस्तान की तरह मना कर सकता था कि हम 50,000 टन का गेहूं नहीं भेजेंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है, 80,00,000 टन का जो गेहूं है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम दो पैसे कमा सकते थे अगर हम ये गेहूं अफगानिस्तान को ना देकर दुनिया को दे दें, बेच दें, लेकिन ये अब फ्री ऑफ कॉस्ट में जा रहा है। तो भारत ये एक दिखाना चाहता है कि भारत के लिए कमाई जरूरी नहीं है, भारत के लिए रघुकुल की वो रीत जरूरी है जिसके अंदर प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। दान की प्रथा हो, वचन की प्रथा हो, भारत दुनिया में अग्रणी देश है और भारत का नाम जाना जाएगा। अफगानिस्तान के जो ट्रक हैं भारत के अंदर आ गए हैं और ट्रकों की जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हो, और भारत ने पहली कंसाइनमेंट 2500 मीट्रिक टन की 50 ट्रकों के अंदर भेजी थी और अब ये दूसरी कंसाइनमेंट भेजी जाने के लिए ट्रक आ गए हैं। भारतीय ट्रक अब पहुंचने वाले हैं और लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा और फिर ये ट्रक फिर से अफगानिस्तान जाने वाले हैं। अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है उन्होंने भी भारत के ट्रकों को बहुत सराहा है और भारतीय झंडों के साथ ये जो एक ट्रक की जो एक गेहूं आई थी इनको वितरण करने का काम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? असूलों पर चलने वाले इतिहास बनाते हैं, क्या ये बात सही है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी जनाब। अच्छा, पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, दो बातें एक वीडियो में हुई हैं, अफगानिस्तान और एक वही जो स्टूडेंट जो अच्छा, है अच्छा स्टूडेंट वाली बात मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगी और वेरी जीनियस बोले 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 आप असर नहीं होता। तो मैं ये पूछूंगी कि जैसे कि पहले उनकी हेल्प के लिए आए
उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, झंडे दिए उनको, उसके बाद आधे ही रास्ते में छोड़ दिए। तो मतलब जस्ट वो शो ऑफ के लिए आए थे। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में वीडियोस चलानी होंगी या फिर इस तरह से कुछ दिखावा करना होगा कि हमारे हमें एक प्रूफ मिल जाए कि हम लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनके बस में है नहीं, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी मामला बिगड़े हुए हैं, यूक्रेन वाले भी अच्छा ये भी हो सकता है कि वाकई अपने बच्चों को, देखो एक बात है कि जब निकाल सकते हैं तो पूरे ही निकाल लेते हैं, जानबूझ के तो कोई इस तरह से आधे रास्ते पे नहीं छोड़ देगा। तो मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया, कौन सा वाला, वीडियो बनाने वाला, फिर उसके बाद वो निकालना भी चाह रहे हैं तो ये यूक्रेन वाले दूसरे कंट्रीज़ के नागरिकों को, स्टूडेंट्स को निकलने नहीं दे रहे जानबूझ कर। मतलब यूँ समझ लें कि यूक्रेन का बस नहीं चल रहा कि वो किसी भी तरीके से छोटे से पॉइंट को भी अपने फ़ायदे में किस तरह से यूज़ करें। इंडियन के साथ भी यही हुआ, कोशिश हो रही थी कि वो लोग ना निकल पाएँ, लेकिन फिर भी रशियन आर्मी ने और इंडिया के जो खुद तैयारे पहुँचे हैं वहाँ पर बच्चों को निकाला, कुछ पहुँच गए हैं वापस, कुछ मज़ीद आ रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान भी हो सकता है कि निकालना भी चाह रहा होगा और अपना मकसद पूरा करने के बाद नहीं निकाल पाया तो उन्होंने रास्ते में उन्हें छोड़ दिया। छोटापन नहीं लगा आपको? बहुत गलत, किसी भी तरीके से आप लड़ भिड़ कर भी, मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर फोर्स अपोजा मेरा साथ देने आए हो, चले ठीक है, मंजिल तक नहीं भी पहुँच पाते तो आप कम से कम हौसला तो दे सकते थे, हिम्मत को दे सकते थे, आप साथ में खड़े तो हो सकते थे। अब आप जो करना आपने खुद करना है। बिल्कुल, इस तरीके से आप बेयारों मददगार किसी को छोड़ दोगे तो उन पर क्या बीतेगी? अच्छा एक और बात, छोड़ दिया उनमें से पता नहीं कुछ मर जाए, कुछ ज़िंदा बच जाए, आगे आपकी क्या इमेज, अपने मुल्क की क्या इमेज, क्या इज्जत, क्या ताज़ी लेकर जाएंगे वो अपने दिलों में? अच्छा। उनके लिए क्या जज्बा होगा अपने मुल्क को लेकर कि हमारे मुल्क ने तो हमें बुरे वक्तों में इन्होंने हमें ऐसे छोड़ दिया था। अच्छा आप ये सोच रही हैं कि हमारे मुल्क की क्या इज्जत रहेगी या हमारी क्या इज्जत रहेगी कि किस तरीके से हमने आधे रास्ते में छोड़ दिया। जिस शख्स को या जिन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही ना हो कि मुल्क क्या होता है, उसकी इज्जत क्या होती है, कॉल ऑफ फेल, कोई फर्क नहीं, उन्हें फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ ऐसे लोगों को कोई राइट नहीं है कि वो हुकूमत में हो जो गवर्नेंस करे। गवर्नेंस तो वो करे ना जिसके अंदर ये गट्स हो, जिसको पता हो कि मुल्क की ताज़ीम क्या होती है, जिसको पता हो कि कोई भी नागहानी आफत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्राइसिस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे निकालना है अपने बंदों को, अपने लोगों को कैसे बचाना है। दूसरी बात इसमें की गई है वीडियो में, गंदम वाली, गेहूँ वाली, और मैं उस टाइम पर भी ये सोच रहा था कि जब हम गंदम खरीदते हैं तो हम डोनेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने उस टाइम भी जिक्र किया था, पता नहीं ये गाली तो नहीं, बड़े बोला पर मुझे नहीं पता बड़बोलापन का मतलब होता है बड़े बोल, नहीं बड़े बहुत ज़्यादा, जब इंसान जज्बाती होकर बहुत ज़्यादा बोलता रहे उसके बाद उसको कहीं जाके उसका जो वो तैश, वो जो एक जज्बातीपन ख़त्म हो तो उसके बाद उसको रियलाइज हो कि जैसे आप बड़बोलेपन में बोल दें कि आप मुझे डायमंड सेट देंगे, उसके बाद परेशान हो जाए कि मैं कैसे दूंगा जिका को। तो ये वाली चीज़, इसको कहते हैं बड़बोलापन, यानी ये बहुत बड़बोले हैं, ये कुछ भी बोल देते पहले, उसके बाद उनको एहसास होता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे मतलब बस से नहीं है, मैंने कैसे बोल दिया, तो उसके बाद ये अपने वर्ड्स को। अच्छा मैंने शायद ये जिक्र किया था, नहीं किया था कि हम लोग गंदम खरीदते भी हैं, हम लोग गंदम किया था, किया ठीक है ना। मैं उस ना करें, मैं उस टाइम पर सोच रहा था कि हम कैसे 50 टन गंदम अफगानिस्तान को देंगे। अच्छा वो मैंने एक मिसाल सुनी थी कि घोड़े को नाल लगते हुए देखकर मेंढक ने भी अपना पांव आगे बढ़ा दिया, तो अब आप बताएं नाल तो घोड़े को ही लग सकती है ना, मेंढक बेचारा कहाँ जाएगा। तो अभी जब आप खुद खरीद खरीद के खा रहे हो, मैं भेज रही हूँ, आपने तो बताया था बड़ा अच्छा निज़ाम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है कि पहले बाहर भेजते हैं, इम्पोर्ट फिर इम्पोर्ट करते हैं, उसमें खांचे वांचे लगते हैं, उन पर अपना कमीशन निकाल लेते हैं। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान कितने बड़े दिल वाला है कि पहले तो अपनी फसल बाहर भेज रहा है, उसके बाद दोबारा इम्पोर्ट करवा रहा है, और इम्पोर्ट भी इतना करवाएगा वो कि 50 टन तो सिर्फ और सिर्फ डोनेट कर देगा वो। मतलब आप सोचिए तो किस लेवल पे, मतलब कहाँ पहुँचे। आपको पता है रशिया से और यूक्रेन से, इन कंट्रीज से बहुत सारा गंदम इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आता है। यूक्रेन से मैंने सुना था वहाँ पे ब्रेड बास्केट है पूरी, बिल्कुल हाँ, तो वहाँ से बहुत यहाँ आता है, पूरी दुनिया के लिए गंदम उगता है वहाँ पे, बड़ी बात है। अच्छा इस पे भी अभी तो बहुत मसले मसाले होंगे, अब उस पे भी फर्क पड़ने वाला है, रेट बढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही ये चीज़ इनको फील हो गई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 50 टन अगर भेज देंगे तो हम क्या खाएंगे, हम हमारे 50 किलो भी नहीं बचेगा, हाँ तो हमारे लिए महंगी हो जाएगी, मसले हो जाएंगे। और इन देशों में ख़ास तौर पे हमारे एशियाई देशों में रोटी गंदम का ज़्यादा रुझान है,
दूसरे देशों में चावल से भी गुजारा हो जाता है। अच्छा, लेकिन आपकी नज़दीक ज़बान की क्या अहमियत है? देखिए मैंने ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की वीडियोस से सीखी हैं, और मैंने उन वीडियोस में से बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ एक ऐसे शख्स से सीखी हैं कि जो मैं कहता हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा, उसमें से 50% तो सिर्फ एक चीज़ से सीखा, फिर उसमें से भी जो एक शख्सियत है उनसे सीखा, वो है रतन टाटा जी। मैं कहता हूँ मोदी जी से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे लोगों से सीखा, लेकिन ये जो ट्रस्ट वाली बात है या अपने कॉल पे कायम रहने वाली बात है या किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं, आप सबसे पहले नुकसान उठा लें। आपने जो बात कर ली, उन्होंने अपने किसको वो कर दिया था, निकाल दिया था सीईओ को, किसको कि आपने जिस कंपनी से आपने प्रॉमिस किया है आप घाटे में मैं उसको खरीदूंगा, तो आप अब वो घाटे में जा रही है। तो आपने जब कहा था कि मैं ठीक है आप ले लो और घाटा होगा तो मैं खरीद लूंगा आपको वापस से, तो आप क्यों नहीं खरीदे? तो उन्होंने बोला मेरा नुकसान हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, तो उस पर उन्होंने उसको फायर कर दिया जबकि आपने अपना प्रॉमिस नहीं मिला, जबकि वो कंपनी के फेवर में थे, टाटा के फेवर में थे, लेकिन वो टाटा के ट्रस्ट के फेवर में नहीं थे। जो टाटा का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है दुनिया में, उन्होंने उसको निकाल दिया। मैं कहता हूँ शायद इसकी मिसाल मिलती हो, शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुन रही हूँ ना। मैं कहता हूँ बिजनेसमैन के लिए उसका एक रुपए का भी नुकसान हो तो उसका दिल हलक में आ जाता है, जैसे कि मैंने कैसे कर दिया। बिल्कुल, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अपना नुकसान नहीं देख रहे, सिर्फ अपने प्रॉमिस के सामने। आपको पता है किसी भी कमिटमेंट के सामने, आपको पता है किसी भी बिजनेस में अगर आपने काम शुरू किया और आपने जो कहा कि मैं आपको ये डिलीवर करूंगी, मैं डिलीवर करूंगा, और वही डिलीवर करते गए, बेशक आपके क्लाइंट्स कम होंगे, लेकिन एक मरतबा जो आपका क्लाइंट बन गया वो आपको 10 क्लाइंट ला के देगा, गुडविल जो आपने बेहतर काम कर। अच्छा, वो 10 क्लाइंट आपको मजीद 10 क्लाइंट ला के देंगे, तो आप कहाँ खड़े हैं? सिर्फ एक क्लाइंट को आपने 100% मुतमईन कर लिया, वो आप पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया उसने, तो फिर आप किसी को समझ लो कि ऐसी चेन बनेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो आप चीट करते रहेंगे ना, तो एक क्लाइंट आपने चीट किया, वो जो 10 बने हुए होंगे वो अगर कहीं उनसे टकरा गया ना, तो वो आपको बता देगा वो पहले सही था, वो जीतो पाकिस्तान नहीं है, वो कहेगा पहले सही था वो। आप 10 कहेंगे नहीं नहीं हम तो हज़ीका के कपड़े पहनते हैं, हज़ीका ब्रांड के तो बेहतरीन है। वो जब हज़ीका 1917 में बनाया था ना, जब उसने हज़ीका अपना ब्रांड, तब तो सही थी वो, अब तो लूट रही है वो, अब नहीं जाना। अच्छा, वो भी टूटेंगे। मैं देती हूँ, होता ये था हमारे यहाँ ना SMS का जब बहुत ज़्यादा दौर था और उस वक्त नेट का इतना रुझान नहीं था, तो हमारे यहाँ जीतो पाकिस्तान करके एक मैसेज आया करता था। अभी भी आता है, बता दूँ ना उसी प्यारे मुद्दे भी यानी आप पूरा क्लाइमैक्स यार बर्बाद करते थे। तो फिर होता ये था कि वो SMS जैसे आता था जिसके पास, तो आपका जी 10 लाख का इनाम निकला है, आपका तो इतना तोला सोना निकला है, आपका तो डायमंड का ये निकला है, तो लोग आप इस नंबर पर कॉल करें। जब वो उस नंबर पे कॉल करते थे तो वो कहते थे आपको स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपको इतने 1000 देने होंगे, और उसके बाद हम आपको जितना भी आपका कैश है और जितना भी आपका जो भी सोना वगैरह वो सब आपको दे देंगे। तो लोग खुशी खुशी जैसे 10,000 उन्होंने मांगा वो दे देते थे। उसके बाद वो होता था स्कैम, वो 10,000 लेकर उसके बाद वो जो नंबर होता था और उसके बाद वो नंबर पे आपका ना कॉन्टैक्ट होता था, और जो वो नया नंबर देते थे कि अब आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, तो वो नंबर ऑफ होता था। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता रहा। उन्होंने बहुत चूना मारा, लोगों को बहुत चूना मारा इस तरीके से, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, जिससे जितना बन पड़े। उसके बाद अब ये हुआ कि जब लोगों को अवेयरनेस हो गई कि ये जो मैसेज आता है, तो अब किसी के पास अगर 10 लाख का मैसेज आता है ना कि जीतो पाकिस्तान में आपके 10 लाख निकल गए या जीतो पाकिस्तान में आपके 30 लाख निकल गए, तो लोग हंस रहे होते हैं एक दूसरे, अरे अरे मेरे तो 30 लाख निकल गए, अरे अरे मेरे तो 10 तोला निकल गया। अच्छा, एक वक्त होता है, देखो चूने में होता है चूने का वक्त, वो चूना खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मैं चूने की तेजी खत्म हो जाती है। अच्छा, हुआ ये है कि मैं थोड़ा बताता चलूँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गेम शो है जिसमें इनामात होते हैं, तो उसका नाम जीतो पाकिस्तान है, तो वो बड़ा फेमस था, तो उसके नाम पे लोग कॉलें करते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है, जरूरी ये नहीं है, इसके अलावा भी वो मरियम नवाज जो है उनके ऊपर भी आता था, बेनजीर इनकम सपोर्ट में, तो आपके आए दिन पैसे निकलते हैं, मतलब बेनजीर ने जितना सपोर्ट किया ना आपको किसी ने नहीं किया होगा। वो कल भी भुट्टो जिंदा थी, आज भी भुट्टो जिंदा है, वो सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। तो ये चीज़ें, ये बात हो रही थी ट्रस्ट पे कि आप अपना ट्रस्ट। अच्छा, मैं एक बात तो फाइनल करता हूँ कि फिर उसके बाद हम वीडियो को इख्तिताम करते हैं, आप हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, हंस रही हूँ, जी जी, क्या जब मैंने सच
कोई सच बोले ना मेरे सामने, मुझे बहुत हंसी आती है। वाकई हमें बर्दाश्त करते हैं लोग, है ना। अच्छा, कौन कौन सी बातें निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बात कहना चाह रहा हूँ, भुट्टो जिंदा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम बहुत 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 जहीन कौम है। काश ये अपना माइंड किसी पॉजिटिव चीज़ में लगाते, काश ये अपना माइंड किसी इन्वेंशन में लगाते, काश ये अपना माइंड, काश आप अपना माइंड इंग्लिश में लगाते। काश तो मेरे कान वाला कान खराब हो गया आपका इन्वेंशन सुन के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ना मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अगर अपने आप को पॉजिटिव वे पे चलाते, आप समझ गए, जो मुझे आता था मैंने उसी से गुजार किया पॉजिटिव। जी तो पाकिस्तान और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की जगह कहीं और सपोर्ट कर, बड़े बड़े फ्रॉड पाकिस्तान में हुए हैं, बड़े बड़े चीट हुए हैं। तो अगर ये पॉजिटिव तरीके से मेहनत करते, काम करते, तो शायद बहुत बड़े बड़े टाइकॉन होते, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते इनके। लेकिन यूनिकॉर्न तो हमारे पाकिस्तान में ही सारा, जो हर बंदा यूनिकॉर्न है, हर बंदा यूनिकॉर्न। लेकिन हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि यूनिकॉर्न, वैसे मैं बताता हूँ, यूनिकॉर्न बनाकर भी वो चूना मार रहे होते, वो नेचर होता है ना, एक खून में शामिल हो जाते हैं इंसान। मैं ये समझता हूँ कि यूनिकॉर्न होंगे फ्रॉड के यूनिकॉर्न बने हो सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि फ्रॉड तो रजिस्टर्ड होता ही नहीं। एक डबल शाह बाबा थे, बड़ा फेमस हुए थे, अरबों खरबों रुपए लूट के चले गए थे, तो वो भी एक यूनिकॉर्न था अपने आप में। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए।